तो चलो प्यारे बच्चों, एटम्स और न्यूक्लियाई स्टार्ट करते हैं। और एटम और न्यूक्लियाई में जो पहला क्वेश्चन है वो एक सीरीज का एक क्वेश्चन है, अल्फा बीटा गामा, मतलब पॉजिटिव बीटा और निगेटिव बीटा, और गामा और अल्फा रेडिएशन इमिट हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा इमिट होता है तो क्या होता है। अल्फा जो है कुछ नहीं है, वो क्या है कि हीलियम न्यूक्लियाई है। मतलब जब कभी भी अल्फा इमिट होगा तो इस +2 का मतलब है कि दो एटॉमिक नंबर 2 कम होगा और मास नंबर 4 कम होगा। ठीक है, और जो बीटा होता है, जो बीटा होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव बीटा, एक होता है निगेटिव बीटा। तो जब निगेटिव बीटा इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, समझ रहे ना, निगेटिव बीटा इलेक्ट्रॉन इमिट होगा तो मास नंबर तो चेंज नहीं होगा लेकिन एटॉमिक नंबर -1 का मतलब है एक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द निगेटिव बीटा। जब पॉजिटिव बीटा इमिट होगा तो पॉजिटिव बीटा के केस में आपको इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, +1 और 0। प्लस का मतलब क्या है कि एक कम होगा एटॉमिक नंबर, जैसे यहाँ +2 हीलियम था तो एक, मतलब समझाने का तरीका है मेरे भाई, तो ये +2। और जब गामा इमिट होगा तो नो चेंज इन एटॉमिक नंबर, नो चेंज इन मास नंबर। भाई ये वाली चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं साइड कोपचे में बना दिया आपके लिए। ठीक है, तो चलो यहाँ से जो है ये अल्फा इमिट हुआ तो 84 में 2 की कमी हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 82, और यहाँ इस 4 की कमी है 218 और 214 ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ निगेटिव बीटा, तो निगेटिव बीटा मतलब ये आ जाएगा एक बढ़ जाएगा, तो 83 और ये आ जाएगा 214। गामा रहेगा तो कुछ नहीं होगा, ये 83 और ये 214 ही रहेगा। फिर से अल्फा इमिट हुआ तो ये आ जाएगा 81, फिर से अल्फा इमिट हो गया, समझ ना, तो ये आया 81 और ये आया 210 आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव बीटा, पॉजिटिव बीटा मतलब ये एक कम हो गया, 80 हो गया और ये 210 ही रहेगा। ठीक है, फिर से गामा इमिट हो गया तो 80 और 210, दिस इज द फाइनल एटॉमिक एटॉमिक मास नंबर जो है वो 210 और एटॉमिक नंबर जो है जेड की जो वैल्यू है वो 80 आ जाएगी। तो कुल मिला के अगर तुम देखोगे यहाँ से तो मास नंबर 210, 210 और 80 कुल मिला के तुम देखोगे यहाँ से तो फाइनल 210 और 80 सोल्यूशन है, तो ये अपना बी ऑप्शन सही बन जाता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था। तो अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो।